अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान और रिजल्ट आने लग गए होंगे आपको आने लग गए ना। मैंने चुनाव में कहा था, मैंने चुनाव में कहा था अपराधी नगर ही नहीं राजस्थान छोड़ करके भागेंगे और मैं पिछले 15 दिनों के लिए यहाँ की पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ की पुलिस की स्पेशल टीम ने और कुछ लोगों ने मिलकर जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया है, लेकिन अभी मैं पूरा संतुष्ट नहीं हूं। जयपुर से लेकर यहां तक हर कदम पर जिस तरह से राजस्थान सरकार के निर्णय और नगर विधानसभा के निर्णय का सम्मान और स्वागत हो रहा है, मैं हृदय से अभिभूत आपके चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। सीकरी तक जाना है, आप सबको भी चलना है, चलोगे ही नहीं चलोगे बताओ। और सीकरी नहीं, गिरिराज जी के कौन कौन भक्त है बताओ। तो आज की रात गिरिराज जी के नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि 2047 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में होगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का संकल्प अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और देश के राज्यों में विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का जो संकल्प है, नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं और उस बेटे के फर्ज को निभाकर आपकी सेवा करूंगा। आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी का क्या आभार व्यक्त नहीं करोगे? आज हाथ उठाकर उन्होंने आपके बेटे को राजस्थान की सेवा करने का मौका दिया है। मेरा भी संकल्प है नगर विधानसभा में भी और पूरे राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान और रिजल्ट आने लग गए होंगे आपको आने लग गए ना।
करेंगे और मैं पिछले 15 दिनों के लिए यहाँ की पुलिस को धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ की पुलिस की स्पेशल टीम ने और कुछ लोगों ने मिलकर जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया है, लेकिन अभी मैं पूरा संतुष्ट नहीं हूं। आप पूरी ताकत के साथ अपराधियों के खिलाफ योजना बना करके लड़िए। मैं कल जिला स्तर के अधिकारियों के साथ टीम में बैठूंगा, जल्दी ही योजना बन जाएगी और अब तो राम राज्य आ गया मान लीजिए। बोलिए जो राज महाराज की जय। 15 तारीख को इसी खेलनी रोड पर आपके कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है। 15 तारीख वो ऑफिस नहीं होगा, ऑफिस तो सुबह 10 बजे से 5 बजे तक खुलते हैं, वो कार्यालय होगा कार्यालय। और कार्यालय में 24 घंटे काम होता है, किसी भी भाई को कभी भी कोई भी आवश्यकता पड़े, आपके दुख में सुख में जवाहर बेरहमी नहीं, पूरी टीम आपके साथ खड़ा होकर के आपके साथ संघर्ष करेगी। राजस्थान की सरकार संकल्पबद्ध है अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का विकास कर राष्ट्र की मुख्यधारा में जोड़ना। राजस्थान की सरकार संकल्पित है कि हर व्यक्ति का विकास कैसे हो। भारत सरकार की योजनाओं को, राजस्थान सरकार की योजनाओं को आपने देखा ना, वो इंदिरा रसोई के नाम से फर्जी कूपन चलते थे ना। अब कुछ बदलाव आ रहा होगा, अब कूपन कम कट रहे हैं, क्योंकि उनमें तो पता नहीं कौन कौन लोग क्या क्या करते थे। अब उसका नाम अन्नपूर्णा रसोई, और 450 में गैस का सिलेंडर 1 तारीख से कर दिया मुख्यमंत्री जी ने। अभी देखिए आप, जिन लोगों ने पेपर लीक किए, जो उसमें योजना में शामिल थे, सब सलाखों के पीछे जाएंगे। और मैं और कह रहा हूँ जिन लोगों ने यहाँ थानों पर बैठकर गरीबों का खून चूसने का काम किया, वो भी कुछ दिन बाद सलाखों के पीछे फोटो दिखाई दे। जो अपराधी है वो कोई भी हो, कुछ दिन पहले घटना हुई थी ना, कोई भी हो, बक्सा नहीं जाएगा।